Hey, what's up, everybody? कैसे हो आप सब? वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नाउ वी स्टार्ट अवर चैप्टर 9. चैप्टर 9 भीम नेपाली. नेपाली से ही आपको पता है कि हमारे पड़ोसी या किसी से पड़ोसी होकर अच्छा व्यवहार करना. लेट्स बिगिन डिस्कस विद योर पार्टनर. अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करिए. अ फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ मदर, फादर एंड अ डॉटर ऑफ योर एज हैज मूव्ड इनटू द नेक्स्ट फ्लोर टू यू. First, what would be your first reaction when a new neighbor comes to next room? How would you welcome the young girl? You come to know that she has joined the same school as you. What would you like to do to make her feel comfortable on her first day at school? Do you consider yourself to be a friendly neighbor? Give me this. देखिए, अगर मान लीजिए आपके पड़ोस में कोई फैमिली आई है जिसमें आपकी ही एज की एक छोटी सी लड़की है और मम्मी पापा है उसके, ठीक है, तो आपको कैसा लगेगा, आपका क्या रिएक्शन होगा अपने पड़ोस के नेबर को देख के और अपने पड़ोसियों को देख के, और किस तरह से आप उस यंग गर्ल का वेलकम करोगे? और फिर अगले ही दिन आपको ये पता चलता है कि वो आपके स्कूल में एडमिशन ले लेती है और उसका फर्स्ट डे होगा, तो आप उसे किस तरह से कम्फर्टेबल फील करोगे? ठीक, क्या अपने नेबर के साथ आप फ्रेंडली बिहेवियर रखोगे या रूड बिहेवियर रखोगे? ठीक है, तो इस सब के बारे में अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कीजिए और बताइए. ओके, नाउ वी कम टू लेट्स से, बिफोर स्टार्टिंग लेट्स से वी विल डिस्कस हार्ड वर्क. शैडी, नेग्लेक्टेड, गुड माइंड, स्ट्रॉन्ग डिजायर, डिस्कस ग्लूमी, लिस्टलेस, लाइफलेस, फ्लरिशेस, वेव्स, हॉर्सली इन अ रफ वॉइस, गर्लेस, टॉन्स, बोरिंग, इलेटेड, लाइट, थिक, एक्वेंटेड, फैमिली, इंग्लैंड में. तो वहां पे जो चार सिस्टर्स थी, मैग मार्च, ग्रो मार्च, बैथ मार्च और एनी मार्च, वो अपनी माँ के साथ रहती थी. वो काफी गरीब थी, मगर एक चीज उनकी फैमिली बहुत अच्छा था कि आपस में प्यार बहुत था और जो था उसमें बहुत खुश थे. तो मार्च जो फैमिली है वो बहुत ही ज्यादा जो है गरीब परिवार से है और उसके पड़ोस में जो घर था वो लॉरेंस मेंशन का था, जहाँ पे एक छोटा सा बच्चा थियोडोर लॉरेंस, जिसका नाम जो है शॉर्ट में लॉरी के नाम से भी जाना जाता है, और उसके ग्रैंडफादर जो कि अभी तक जीवित है वो थे. द सिस्टर्स आर विलिंग टू मेक फ्रेंड्स एंड हेल्प अदर्स. और जो वो सिस्टर्स थी उनकी आदत क्या थी कि उनकी में अच्छा क्या थी कि वो दूसरों से मिले और उनको अपना दोस्त बनाए. नाउ रीड द ड्रामेटिक वर्जन ऑफ एक्सट्रैक्ट द लिटिल वुमन. हम कैरेक्टर्स की बात करेंगे. कैरेक्टर्स में क्या है, नैरेटिव, मार्च सिस्टर्स, अभी मैंने आपको बताया था मैग मार्च, जो मार्च, बैथ मार्च और एनी मार्च, जो पड़ोसी उनका था वो लॉरे जिसे जाना जाता है नाम से, और लॉरे के फादर का नाम था मिस्टर लॉरेंस, जो उसके दादाजी थे उनका नाम था मिस्टर लॉरेंस, और लॉरेंस पेंशन में एक मेड थी. ठीक है, तो हम आते हैं अपनी स्टोरी पे. स्टोरी का फर्स्ट सीन देखिए आप ये सामने है. ठीक है, तो इसमें क्या है फर्स्ट सीन में कि ड्रॉइंग रूम है आपका, वहां पे दो सोफा लगे हुए हैं, सामने आग है और उसको जो है जो आग के सामने एक सोफा पे एक लड़की बैठी है जिसका नाम मैग है, जो किताब पढ़ रही है और अपना पैर सेक रही है. ठीक है, और उसी समय उसे जो है हॉल में किसी के चलने की आवाज आती है और वो आवाज रबर टूट के थे और फूट के थे, और वो जो है जो आ रहा होता है, आ रही होती है, उसके एक हाथ में क्या है झाड़ू है और एक हाथ में शॉल है, और बहुत ही बर्फीला मौसम है वहां का इसको ऑल अराउंड. तो मैं कहती है कि तुम कौन से, जो से बात करते हुए बोलती है कि तुम कौन से पढ़ रहे हो और अब तुम क्या करना चाहते हो? तो जो मैं बाहर शरारती लेने में मैं बाहर एक्सरसाइज करने के जाती हूँ. मैं कहती है मैंने सोचा कि जो है दो लंबी वॉक आप लोगे सुबह तो बहुत हमारे लिए एनफ है और इस तरह से हमें एनर्जी भी मिल जाएगी और कोर्ट से भी हमको राहत मिल जाएगी और पूरे दिन हमने वॉर्म. तो उसे कहा मैं तुम्हें एडवाइस देती हूँ कि तुम जो है वॉर्म रहो और जो है अपने साथ में खुद को सेकती रहो. ठीक है, तो जो है जो कहता है आई नेवर टेक एडवाइस, आई कैन नॉट एक्सटेन ऑल दे, मैं तुम्हारी ये एडवाइस नहीं दे सकती हूँ, मैं इस तरह से पूरा दिन नहीं रह सकती हूँ क्योंकि मुझे कुछ
इतना क्योंकि ये जो फायर है वो मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे एडवेंचर वगैरह पसंद है और इसलिए मैं बाहर कुछ जो है देखने जा रही हूँ। तो जो वहाँ से चली जाती है और मैं जो है अपने सिस्टर को ढूंढती है। जैसे ही मैं वापस आती है तो कंप्लेंट करती है कि जो बाहर का जो ठंडा है उस मौसम पर कंप्लेंट करते हुए बात करती है। डायरेक्टर अब बताता है कि जो मैक का जो पैन है वो अपने यहाँ पैन को वार्म करती है फायर से और वो बुक पढ़ रही होती है इवेंट हुई और जो जो है क्या करते हैं पूरी एनर्जी से पूरे रास्ते को साफ करते हैं क्योंकि जो भी मौसम है तो पूरे रास्ते में बहुत ही पत्थर है कहीं ना कहीं तो उसको साफ करते हैं। फिर डायरेक्टर बताता है कि जो मार्च का हाउस है और मिस्टर लॉरेंस का हाउस है उसके बीच में एक गार्डन का ही डिफरेंस है और इस तरह से वो एक पुराना सा घर उनका दिखाई देता है और वहाँ पे जो है जो लॉरेंस का हाउस है जैसे मैंने बताया कि वो अमीर लोग हैं काफी रिच है उनका मैंशन बहुत अच्छा है उनके पास एक पेड़ है मतलब कोई भी ऐसा बच्चा वहाँ पे नहीं है कि जो अपने में खुश रहे। ठीक है तो जो है मॉल में सिर्फ दादाजी और एक लड़का रहता है उनकी में तो जो जो है बोलती है कि बहुत ही गरीब बच्चा है और सारा दिन वो घर में रहता है बीमार है और शर्म आनी चाहिए और इस तरह से वो बोलती है कि मैं जो सोच रही हूँ कि उसका जो खिड़की के पास है वो उसके बॉल उसके ऊपर टॉस करूँ तो देख के खुश होगा और बाहर आएगा कुछ उसके लिए जानवर सकूँ। तो मैं उसे पूछती है क्या बात कर रही हो तुम जो कहती है क्या तुमने उस लॉरेंस बॉय को देखा है और वो हमेशा जो है अकेला रहता है और दूसरों की कंपनी चाहता है और चाहता है कि कुछ इंजॉय करे मगर उसके ग्रैंड पा ये सब नहीं चाहते वो सोचते हैं कि क्या अच्छा है क्या भला है इसलिए वो उसे सारा दिन अकेले छोड़ते हैं। फिर इनसे उसे जो है बहुत ही अच्छे लड़कों की पार्टी चाहिए मतलब फ्रेंड्स चाहिए और कुछ लैंडी और मेरे दिमाग में एक आइडिया है कि ना हम जो उसके ग्रैंड जो है दादाजी को ये सब बताएं तो मैं कहता जो तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी जो मैं जा रही हूँ मैं जो है मिस्टर लॉरेंस को कुछ ना कुछ बताऊंगी। तो सीन टू में जो है लॉरी जो है बाहर देख रहा होता है विंडो से और जो है उसके बाल काफी कर्ली होते हैं और उसका सर बाहर होता है हाथ बहुत पतले होते हैं जैसे कि आपको नजर आ रहा है। ठीक है तो इस तरह से आपको दिखाई देता है मैनेजर बोलता है कि जो थ्रोस आर हेडफुल जो क्या करती है कि एक जो है उसके स्लो का गोला है वो ऊपर फेंकती है तो उसके जो फेस है ऐसा लगता है कि उसको कुछ जीवन नहीं भरा कुछ उत्साह नहीं है बस उसकी आंखें चमक जाती हैं और उसके चेहरे पे थोड़ी सी स्माइल आ जाती है। तो जो जो है सर जुटाती है और हंसते हुए वहां से अपने झाड़ू को हिलाते हुए चली जाती है। तो जो हाउ डू यू डू आर यू सिक जो क्या करती हूँ क्या तुम बीमार हो लॉरी से पूछती है वो तो लॉरी होता है कि मैं ठीक हूँ और मुझे कोल्ड होता है इसलिए मैं घर में अकेले आराम कर रहा हूँ। तो जो कहती है और सॉरी मुझे बुरा लगा और ठीक है तुम्हें अपने एडजस्टमेंट के लिए इंटरटेनमेंट के लिए कुछ चाहिए तो कहते नहीं मैं यहाँ पे बोर हो रहा हूँ डोंट यू रीड क्या तुम पढ़ते नहीं हो हाँ मैं पढ़ता हूँ पर इतना नहीं जो बोलती है ठीक है क्या तुम कोई तुम्हें पढ़ाता नहीं है। तो लॉरी कहता है कि कभी कभी मेरे जो दादाजी हैं मुझे पढ़ाते हैं और उन्हें मेरे बुक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है और मुझे पसंद नहीं है कि हर समय मैं बुक को ये सब बोलूँ जो हैव समवन कम एंड सी यू दैट तो क्या कोई आया तुमसे मिलने के लिए लॉरी यहाँ पे कोई भी नहीं है मुझे कोई नहीं दिखा और बॉयज भी ऐसा कुछ दिखे नहीं है मुझे तो उसने कहा क्या तुम किसी अच्छे लड़के को नहीं जानते जो तुम ऐसा पढ़ सके और एंटरटेन कर सके। तो लॉरी कहता है डोंट नो एनी मैं किसी को नहीं जानता जो यू नो क्या तुम मुझे जानते हो क्या हमें जानते हो तो हंसने लगती है बोल के लॉरी सो आई डू विल यू कम प्लीज तो क्या कहते क्या तुम आ सकती हो तो जो आई एम नॉट क्वाइट एंड नाइस बट आई विल कम मैं इतनी शांत और अच्छी नहीं हूँ मगर मैं आऊंगी अगर मेरी माँ मुझे आने देगी और वो अपना विंडो शट करके वहां से चला जाता है और कहता मैं वहां इंतजार करूंगा। सीन थ्री में क्या होता है कि जो आपके लॉरी के घर में आती है जो तो उसका जो सर्वेंट है पहले बजने पे जो है उसे इन्फॉर्म करता है कि पड़ोस से कोई आया हुआ है तो कहता है हाँ ठीक है उसे ऊपर ले आओ ये मिस लॉरी ही है। तो वो जो जो है वो अपने जो है अपनी सारी बिलोंगिंग के साथ सारी चीज़ों के साथ आती है अंदर और कहती है मेरी माँ ने कुछ भेजा है कुछ खाने के डिशेस वो लेके आती है और उसकी जो बहन है उसने कुछ जो है डेजर्ट बनाया होता है वो भी वो लाती है पहले तो मना करता है फिर वो धीरे धीरे खाना शुरू करता है और कहते हैं कि बहुत अच्छा है खाने में। तो जो कहते हैं हाँ अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बताओ चाय वाय सब कुछ यहाँ आ जाएगा मैं अपनी लड़कियों को बताऊँ बहनों को बोलूँगी और ये खाना बहुत अच्छा है तुम्हें हर्ट नहीं होगा और बहुत अच्छा से जो है इसे खा सकते हो ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है तुम्हें हर्ट नहीं होगा और बहुत अच्छा से जो है इसे
खा सकते हो, ये बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं है, ठीक है। लॉली हाउ फाइन यू आर, नाउ प्लीज टेक द बिग चेयर एंड लेट मी डू सम टू अम्यूजिंग। तो कहता है ठीक है तुम कैसी हो, और चलो मैं तुम्हें चेयर देता हूँ बैठने के लिए और किसी तरह हम एंटरटेन करते हैं। कहती नहीं है मैं तुम्हें यहाँ एंटरटेन करने के लिए, तुम मुझे क्या एंटरटेन करोगे, क्या मैं तुम्हें रोक सकती हूँ। तो लॉरी बोलता है क्या क्यों ठीक है, मुझे कोई बुरा नहीं है, हम बात कर सकते हैं। कहती ठीक है जो है हम सारा दिन बात कर सकते हैं जब तक मैं यहाँ से जाती ही हूँ, और बैग से आई नेवर नो वेन टू स्टॉप, और मुझे नहीं पता कि मैं टॉपिक जो है हमें रुकना पड़ेगा। तो लॉरी इस बैग का रोजी वन, क्या वो रोजी वन जो हमेशा घर में रहती है और एक छोटी बास्केट फ्लावर्स वाली लेके जाती है, जो कहती है हाँ वही है बैग, मेरी बहन है और वो अपने काम के लिए बहुत ही रेगुलर और अच्छी है, जो प्रीटी है वो मैक है और जो गली हेयर में है वो एमी है, और जो सरप्राइज हो जाती है कि कैसे तुम्हें ये सब पता है। तो कहते हैं हाँ मैंने तुम लोगों को देखा है एक दूसरे से बात करते हुए, और घर में देखा है कि किस तरह से तुम लोग एक दूसरे की हेल्प करते हो, अकेले नहीं हो मेरी तरह। तो वो सब इन सब बारे में बताता है, और कट जो कटे हैं विंडो का वो कहीं ना कहीं जो है फ्लावर्स मुझे दिखाई देते हैं, और मैं देखता हूँ कि कैसे लैंप चल रहा है और तुम सब मुझे नजर आते हो, और जो है टेबल पे तुम्हारी मदर तुम्हारे साथ होती है, और किस तरह से तुम लोग बात करते हो कुछ हो, तो ये तो मैं कभी अलग जो है दिखता रहता हूँ। तो डायरेक्टर अब बताता है कि जो है मैं ही अकेला हूँ, बताते हैं लॉरी गाइस की वो जो है जो को देखती है कि किस तरह से वो जो है अच्छा अभिवादन करती है, उसका हार्ट अच्छा है। लॉरी जो कि बीमार और अकेला है और जो है वो रिच है, तो फिर भी उसके घर में इतनी हैप्पीनेस नहीं है जितना कि जो फोर सिस्टर्स के घर में हुआ करती है। जो कहती है कि कभी तुम को मैंने नहीं देखा कर्टन हटाते हुए, और जो है तुम इसको इतना पसंद करते हो, मैं विश करती हूँ कि तुम बहुत अच्छे हो जाओगे, और जो मेरी मदर है वो उनकी हेल्थ भी बहुत अच्छी है, और बैथ जो है कभी गाना गाती है, एमी डांस करती है, और मैथ और मैं जो है हंसते हैं। तो इस तरह से हम अपना टाइम स्पेयर करते हैं, क्या तुम्हारे घर पर ऐसे तुम्हारे साथ कुछ नहीं करते। तो लॉरी आई थिंक ही वुड, वो करते होंगे कि फिर मदर आपके, अगर मेरी माँ जो है बोलती है कि इज वेरी काइंड, कि वो बहुत ही दयालु थे, मगर अब नहीं ऐसे दिखाई देते हैं कि आई लाइक प्रीटी मच ही इज अपसेट ऑफ बीइंग बी अ बॉदर टू स्ट्रेंजर्स, और उन्हें जो है अजनबियों से मिलना जो है अजनबियों से मिलने से उन्हें डर लगता है, और जो कहती है कि हम स्ट्रेंजर्स नहीं है, हम नेबर्स हैं, और जो है इसमें डरने की क्या बात है, और हमें एक दूसरे को जानना चाहिए क्योंकि हमें लंबे समय तक एक दूसरे के साथ रहना है। तो इस तरह से वो बताते हैं कि नेबर्स के साथ हमेशा फैमिली रहना चाहिए, ठीक है। तो लॉरी यू सी ग्रैंड पापा लिव्स अमंग हिज बुक्स एंड डज नॉट माइंड मच व्हाट हैपेंस आउटसाइड। तो वो बताते हैं कि मेरे जो दादाजी हैं वो हमेशा बुक में ही खोए रहते हैं, उन्हें बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं होता, और ग्रुप जो कि मेरा ट्यूटर है वो यहाँ रह नहीं सकता, यू नो कि उसे जो है कहीं ना कहीं जाना होता है, तो आई जस्ट मैं अकेला ही रहता हूँ और रह सकता हूँ। तो जो कहती है ठीक है बुरा नहीं है, तुम्हारा एफर्ट बहुत अच्छा है, और कभी कभी तुम्हें बाहर जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा तुम्हें फ्रेंड्स मिलेंगे और कहीं अच्छी जगह मिलेंगी घूमने के लिए। अब नैरेटर कहानी सुनाते हुए कहता है कि वो कहीं ना कहीं सक्सेस हो जाती है, जो उसे बात करने में दोस्ती करने के लिए उसके साथ जो है कुछ इवेंट्स वो करती है, उसके सिस्टर्स के साथ वो इंजॉय करती है, वो बुक्स के बारे में बात करती है, जो उसके बारे में बहुत खुश होती है, और वो देखती है कि लॉरी जो है इन सब चीज़ों पर देख के बहुत खुश है, और वो और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहता है। लॉरी इज लाइक देम सो मच कम डाउन टू द लाइब्रेरी। तो कहते हैं अगर तुम लॉरी कहता है कि अगर वहाँ से ज़्यादा तुम पसंद है तो लाइब्रेरी में चलो, मेरे ग्रैंड फादर की है, दादाजी की है, और तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तो कहती मैं किसी चीज़ से डरती नहीं हूँ। सीन थ्री में क्या है आपका, जो लाइब्रेरी सीन है लॉरेंस हाउसर वहाँ इन लोग जाते हैं, वॉल्स बहुत बड़ी है वहाँ पे, किताबें स्टैचूज और काफ़ी चीज़ है, कुछ कॉइंस है, और वो क्यूरियोसिटी कहीं ना कहीं जिज्ञासा बढ़ाते हैं। चेयर्स हैं, टेबल्स हैं, और एक फायर प्लेस है, टाइल्स पूरे जगह उन्होंने लगाई हुई है, और बेल रिंग है, मेड जो है आती है, मेड द डॉक्टर टू सी यू सर, मेड कहती है कि डॉक्टर आपको देखने के लिए आया हुआ है। डायरेक्टर बोलता है लॉरी गो अवे एंड जो अम्यूज हरसेल्फ इन हर ओन वे। तो डायरेक्टर कहता है कि ठीक है तुम जाओ, जो अपनी तरह से खुद को जो है एंटरटेन कर लेगी, वो अपने एक पोर्ट्रेट के साथ खड़ी होती है, ऑफ द ओल्ड जेंटलमैन व्हेन द डोर ओपन अगेंस्ट एंड विदाउट टर्निंग शी स्टार्ट्स स्पीकिंग। और बिना बोले वो बोला शुरू कर देती है, आई एम श्योर नाउ व्हाट शुड बी नॉट शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ हिम,
Of he got kind eyes and his mouth is ring, he looks at his tremendous will of his own. He is not as handsome as my grandfather, but I like him. तो कहते हैं कि इतना घर अच्छा नहीं है जितना कि मेरा ग्रैंड फादर है और इससे मुझे डरने की जरूरत नहीं है। उसके ऊपर में आते हैं वो बोलना शुरू करती है। तो ग्रैंड फादर बोलता है थैंक यू मैम, क्योंकि उसे लगता है कि वो एक स्टैच्यू है, बट वो एक इंसान था जो अंदर आए हुआ था लाइब्रेरी के। नाइटर टू गिव्स अ स्वेल ऑफ डिसमे एंड व्हेन अराउंड शी कम्स फेस टू फेस विद ओल्ड लॉरेंस। और क्या होता है कि जो अब जो है मिस्टर लॉरेंस जो कि दादाजी हैं उनके सामने आ जाती है, पूरा जो ब्लशेस से हंसी आती है और थोड़ा अनकम्फर्टेबल हो जाती है। और वो कहती है कि एक मिनट, वो अपना जो भी उसके अंदर जिज्ञासाएं थी वो अपना बाहर निकाल के वो बताती है, और जितना ज्यादा वो जो है टायर अपने आप को नहीं दिखाती है, वो वहां स्टे करती है और अपने आप को उतना अच्छा दिखाने की कोशिश करती है। सिचुएशन डिफिकल्ट है, वो नहीं जानती थी कि वो दादाजी है, बट स्टैचू सोच के ये सब बोल रही होती है, तो ऐसे सिचुएशन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाती है। तो उसके लिए भी डिफरेंट थी, तो वो अपना बैस देने की कोशिश करती है। तो दादाजी ने कहा कि मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, तो कहती नहीं मैं नहीं डरती हूँ सर। तो दादाजी बोलते हैं कि क्या तुम सोचती हो कि मैं उतना हैंडसम नहीं हूँ जितना कि तुम्हारे दादाजी थे। तो शांत हो जाती है और ग्रैंड दादाजी बोलते हैं कि ठीक है, सबका अपना अपना स्थिति है। तो कहती ठीक है, मैं भी ऐसा कुछ नहीं सोचती हूँ ग्रैंड फादर, तुम भी धीरे धीरे मुझे पसंद करने लग जाओगी। तो जो कहती है हाँ ठीक है मैं करूँगी, देखते हैं। तो अन एडिटर का आंसर प्लेजेस द ओल्ड जेंटलमैन, और उस आंसर से जो है वो काफ़ी खुश होते हैं और हंसने लगते हैं, और जो उससे हाथ मिलाते हैं, और उसके जैसे काल में कोई खुश होता है तो छोटे से बच्चे को तपी करता है, तो वैसे तपी करके वो चले जाते हैं। ग्रैंड फादर, क्या तुमने कभी अपने ग्रैंड फादर को देखा? यू हैव गॉट योर ग्रैंड फादर स्पीच, ही वॉज अ फाइन मैन माई डियर, ही वॉज अ ब्रेव एंड एन ऑनेस्ट मैन, आई वॉज नॉट टू बी हिज फ्रेंड। तो वो कहते हैं कि तुमने कभी ग्रैंड फादर को अपने देखा है? मैं वो बहुत अच्छा इंसान है, ब्रेव है और ईमानदार है, तो मैं जो है उसका फ्रेंड बनना चाहूंगा। और तो जो है कम्फर्टेबल होकर बोलती है कि ठीक है थैंक यू सर, इसी तरह से जो कंटेंट आपका गिर जाता है। अब हम एल्बर्ट ऑथर की बात करेंगे, जो लॉयस मैक एल्बर्ट है, इनका जन्म 1832 से 1888 में हुआ था। ये एक अमेरिकन नॉवलिस्ट है और इनकी जो नॉवेल है द लिटिल वुमन, इसके सिक्वल इसका एक फॉर्म में आपको मिलेंगे, और ये पब्लिश हुई थी 1868 में। लिटिल मैन एंड लॉयस, ये सारी इन्हीं की स्टोरी है। हर सेकेंड बुक द गुड वाइफ इज अबाउट हर सिस्टर्स एंड देयर रिस्पेक्टिव मैरिज, और जो द गुड वाइफ स्टोरी है वो इन्हीं सिस्टर्स के बारे में, जब उनकी शादी हो जाती है तो उसकी लाइफ के बारे में वो बताते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपकी स्टोरी खत्म होती है। Now we come to think and share. Laurie had met his had not met his neighbors, Mac, Joe, Beth and Abby. What do you think made Paddy and Laurie feel warmth in the Marsh family? What is it make someone our best friend? Why do you feel like a particular friend more than others? Have you ever thought about it? Think and share. वो कहते हैं कि लॉरी कभी भी अपने नेबर से नहीं मिला, उनके बहनों से, मैक जो बैथ एंड एनी। तो क्या सोचते हैं कि मार्श फैमिली से उसे मिलना चाहिए, उसके लिए अच्छा रहना चाहिए, फ्रेंडली रहना चाहिए, तो लाइफ में आपका कोई ना कोई बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए या कोई ऐसा फ्रेंड होना चाहिए जो और उससे स्पेशल हो। ठीक है, तो आप अपने बारे में क्या सोचते हैं आप शेयर कीजिए क्लास में। नाउ वी केयर, नाउ डेज वी फाइंड मैनी एल्डरली पीपल स्टेइंग अलोन, देयर चिल्ड्रन आर ग्रोन अप एंड मे बी स्टडीिंग और वर्किंग इन सम अदर सिटी, देयर आर सीनियर सिटीजंस एज इन पुलिस स्टेशन फॉर द सेफ्टी ऑफ दिस एल्डरली पीपल, समटाइम्स दे डू नॉट रिक्वायर द सेफ्टी, दे विल बी looking for company. If you know of anybody like this in your neighborhood, dear people like you can some happiness to their lives by spending more time with them. देखिए क्या होता है कि जो हमारे बूढ़े व्यक्ति हैं, सीनियर सिटीजन हैं, वो उनको आपने हमेशा अकेले रहते हुए देखा होगा। उसका रीजन क्या है कि उनके बच्चे बड़े हो चुके हैं, किसी दूसरे शहर में पढ़ रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, तो ये सब सिचुएशन होती है। पुलिस स्टेशन में भी इन लोगों के लिए एक सेल बनाई गई कि ये आराम से वहाँ पे रह सके, सेफ्टी, इन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये कोई जरूरी नहीं कि वो वहाँ पे रहना पसंद करेंगे। तो आपको ऐसे ही किसी एडल्टिंग लोगों के साथ मिलना चाहिए, दोस्ती करनी चाहिए और उन्हें कुछ ना कुछ खुश रखने के लिए करना चाहिए जिससे कि वो खुश रहे। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि जो बूढ़े व्यक्ति हैं वो हमेशा अकेला रहना पसंद करें। थैंक यू क्लास, और आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप व्हाट्सएप पे मुझसे क्वेरी कर सकते हैं।